हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बीपी सिंह है। आज हम बात करने वाले हैं, क्या वास्तव में यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी इज़ द आंसर ऑफ यूपीएससी। हाँ, ये बात सही है, एनसीईआरटी इज़ द आंसर ऑफ यूपीएससी, क्योंकि वो गवर्नमेंट डेटा है। एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए, एक मैं बहुत सीधा आपको उदाहरण देता हूँ। अगर कोई बुक है जो इंग्लिश में है या हिंदी में है या दिल्ली में कोई मटेरियल है, तो वो सिर्फ दिल्ली में है। यूपीएससी को अंडमान निकोबार से भी स्टूडेंट को लेना है, यूपीएससी को गुजरात से भी लेना है, यूपीएससी को नागालैंड से भी लेना है, जम्मू कश्मीर से भी लेना है, यानी यूपीएससी को पूरे भारत से स्टूडेंट को लेना है। तो ऐसी कोई हमें बुक बताइए जो पूरे भारत में अवेलेबल हो। ना तो कोई नोट्स पूरे भारत में हैं, ना ही कोई बुक्स पूरे इंडिया में हर जगह चलती है। हर जगह चलता है तो क्या, गवर्नमेंट डेटा। और गवर्नमेंट डेटा जो है, एनसीईआरटी इज द गवर्नमेंट डेटा। समझ गए मेरी बात? यूपीएससी का मतलब है इंडिया, यानी इंडिया यानी जितने भी भारत में स्टेट हैं, हर कोने से हर जगह से उनको स्टूडेंट लेकर आने हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो एनसीईआरटी है जो हमें हर स्कूल में लेवल पर पढ़ाई जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी के कोचिंग के नोट्स से, किसी टेक्स्ट बुक से वो क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन अगर 100 क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं तो 100 क्वेश्चन में 85 क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। जिसको ये लगता है कि एनसीईआरटी में कुछ नहीं है यार, बकवास है, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी भी यूपीएससी की खूबसूरती को समझ नहीं पाया है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर आपको लगता है कि यार बकवास है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अभी तक यूपीएससी के खूबसूरती को नहीं समझ पाए हैं, ठीक है? इसलिए आपको जो एनसीईआरटी मैं बता रहा हूँ वो कौन सी पढ़ना है। देखिए, एनसीईआरटी जो है वो 4 सब्जेक्ट की बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ठीक है? साइंस देखो, इकोनॉमी की पढ़ लेना, लेकिन इकोनॉमी की एक ही एनसीईआरटी 11th क्लास की है, लेकिन ये 4 एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, इन सारी की एनसीईआरटी जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना इनको। थैंक यू।